और ये हमेशा से होता है। पहले नहीं दिया तो हम अभी भी नहीं दिया। कल कब आए हो? आपका धंधा है क्या ये? आपका बिजनेस है? हाउ आर यू टॉकिंग व्हाट इज योर लैंग्वेज? इस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों में तमाम मुद्दों को लेकर आम लोगों में आक्रोश दिखाई दे रहा है। अग्निपथ और पैगंबर इस्लाम पर टिप्पणी के विरोध में बीते दिनों के प्रदर्शनों का मंजर सबने देखा है। इसी बीच शुक्रवार को दिल्ली में क्रांतिकारी युवा संगठन के नौजवान सड़कों पर उतर आए हैं। सरकारी संपत्ति सेवाओं के निजीकरण और कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन किया तो पुलिस के साथ टकराव की नौबत आ गई। संगठन का आरोप है कि पुलिस ने उनके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट और अभद्रता की है। आदाब नमस्कार, मैं अतीक खान, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। क्रांतिकारी युवा संगठन ने दिल्ली के जंतर मंतर पर यह शांतिपूर्वक प्रदर्शन रखा हुआ था, जिसमें कई शिक्षण संस्थानों के छात्र जो संगठनों से जुड़े हैं उन्होंने इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। संगठन ने कहा कि अग्निपथ स्कीम, ठेकेदारी व्यवस्था और निजीकरण को बढ़ावा देने के विरोध में आयोजित उनके शांतिपूर्वक प्रदर्शन को पुलिस के दमन के द्वारा कुचला जाना निंदनीय है। संगठन ने कहा कि हमारी कई महिला कार्यकर्ताओं को पुलिस ने डिटेन किया है, जिन्हें मंदिर मार्ग थाने ले जाया गया है। और ये हमेशा से होता है? पहले नहीं दिया तो हम अभी भी नहीं दिया। कल कब आए हो? आपका धंधा है क्या ये? आपका बिजनेस है? हाउ आर यू टॉकिंग व्हाट इज योर लैंग्वेज? ये धंधा धंधा क्यों बोल रहे हो आप? और किस तरीके से लड़कियों से बात कर रहे हो? नाम पता पूछ रही, बताइए आप। नहीं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? गर्ल्स को कि धंधा है? ऐसा क्यों बोल रहे हो? लड़कियों को कि धंधा है? ये मत बोलो ना। उधर भाजपा की पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी, जो अग्निपथ योजना के खिलाफ सरकार पर लगातार आक्रामक हैं, उन्होंने अग्निवीरों को पेंशन योजना का लाभ न मिलने पर जनप्रतिनिधियों की पेंशन खत्म किए जाने की वकालत की है। ये कहते हुए कि इसके लिए मैं अपनी पेंशन छोड़ने को तैयार हूँ। आपको बता दें कि इंडियन आर्मी ने अग्निपथ योजना लॉन्च की है, जिसमें 4 साल तक युवाओं को सेना में सेवा का मौका मिलेगा। विपक्षी दल इसके विरोध में हैं और बिहार से लेकर यूपी, राजस्थान, हरियाणा समेत दूसरे राज्यों के हजारों छात्र स्कीम के खिलाफ प्रदर्शन कर चुके हैं। हालांकि अब इन अभ्यर्थियों के तेवरों में थोड़ी नरमी दिखाई देने लगी है, तब जब कई राज्यों में ये प्रदर्शन हिंसक हो गया था। बिहार में कई ट्रेनों में आगजनी देखने को मिली, तोड़फोड़ हुई। यूपी में भी कुछ हिस्सों में इस तरीके के प्रदर्शन हुए थे।